गोरखा हित सर्वोपरि। सिक्किम से एक बड़ी खबर आ रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सिक्किम में कोविड-19 यानी कोरोना वायरस का पहला मामला सामने आ गया है। कोरोना का यह मामला दिल्ली से लौटे एक व्यक्ति के टेस्ट में कोरोना पॉजिटिव आने के बाद अब यह राज्य का कोरोना से जुड़ा हुआ पहला मामला रह गया है। अब राज्य कोरोना की बीमारी से अछूता भी नहीं रह गया है। सूत्रों के अनुसार दिल्ली में लॉकडाउन में फंसे होने के बाद अपने राज्य वापस आने वाले 25 साल के एक युवक को रामबंगला के क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया था। वहां पे उस व्यक्ति में कोरोना वायरस के लक्षण दिखने के बाद उसको परीक्षण के लिए उसके सैंपल्स लिए गए, जो बाद में उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल NBMCH को भेजा गया। सूत्रों ने कहा है कि परीक्षण भी सकारात्मक निकला। यह खबर बेहद परेशान करने वाली है, क्योंकि अब तक सिक्किम भारत में एकमात्र कोरोना मुक्त राज्य था। अब भी कोरोना की महामारी से बचने के लिए हमें तमाम कोशिशें करनी चाहिए। लॉकडाउन में भले छूट मिली हो, लेकिन उस छूट को हम अनुशासन के तहत कोरोना बीमारी से लड़ने के लिए प्रयोग में ला सकते हैं। इस तरह की खबर से हमें परेशान होने की भी जरूरत नहीं है। सिक्किम के लोग बेहद अनुशासित है, शिक्षित है, और भविष्य में इस बीमारी को अपने पास आने से रोकने के लिए हर प्रकार के प्रयास सभी लोगों को मिलजुल के करना होगा। हालांकि इस खबर की पुष्टि अभी तक सिक्किम के हेल्थ डिपार्टमेंट ने नहीं किया है। जैसे ही हेल्थ विभाग की किसी तरह की अपडेट आती है तो वीर गोरखा वेब टीवी तत्काल आप तक अपडेट पहुंचाएगा।